हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्रीगेट नॉलेज में। तो आज हम चैप्टर 7 शुरू करने जा रहे हैं। आज हम कवर करेंगे इसमें ये टॉपिक्स, पहला अंडू कैसे करते हैं, दूसरा रेडो कैसे करते हैं, तीसरा एक्सेल फाइल में कोई एक्सेल फाइल में कोई भी फाइल कैसे इंसर्ट करते हैं, चौथा किसी भी दो सेल्स को कैसे ज्वाइन करते हैं एक्सेल के, और लास्ट में देखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स कैसे करते हैं। तो चलते हैं हम वर्किंग की तरफ। तो पहला टॉपिक हमारा अंडू कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप शीट में काम कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आपने नवंबर था, यहाँ पे दिसंबर लिख दिया गलती से, और आपको बाद में चला, अरे ये तो मैंने गलती कर दी, यहाँ पे तो नवंबर ही रहना चाहिए था। तो यहाँ पे आप कंट्रोल जेड दबाओगे और ये देखो, ये नवंबर दोबारा आ जाएगा, मतलब ये आपने अंडू कर दिया इफेक्ट जो दिसंबर लिखा था। अब चाहते हो आप, नहीं, दिसंबर जो लिखा था वो सही है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, उस इफेक्ट को रेडो करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करोगे, ये दिसंबर वापस से आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा है हमारा इंसर्ट अ शीट इनटू अ फाइल, राइट। तो इंसर्ट करने के लिए आपको सिंपली इंसर्ट पे जाना होता है, ये जो इंसर्ट का ऑप्शन टॉप पे दिखाई दे रहा है आपको, उसके बाद ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप। ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले एज आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट फ्रॉम फाइल में, फिर ब्राउज करोगे जहाँ भी आपकी फाइल पड़ी है। मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है एक फाइल, तो मैं इसको इंसर्ट कर लूँगा, और फिर इसको डिस्प्ले एज आइकन पे क्लिक करोगे आप और ओके कर दोगे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी और ये आपकी फाइल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे ये फाइल आपकी इंसर्ट हो गई है। तो ये तो मैंने पावर पॉइंट इंसर्ट की है, आप कोई भी फाइल कर सकते हो, एक्सेल, पीडीएफ, एनीथिंग, जिस तरह से बताया, राइट। अब चाहते हो आपकी मैं शॉर्टकट यूज़ करूँ, तो इसमें शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस एन प्लस जे, राइट। मैंने जे नहीं लिखा, ये जे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम इंसर्ट करने के लिए अपना शॉर्टकट यूज़ करेंगे ऑल्ट। अब ये एन, एन मतलब कि इंसर्ट, एन फिर जे मतलब ऑब्जेक्ट, राइट। जे पे क्लिक करेंगे, फिर वही प्रोसीजर है सेम जो हमने वैसे मैनुअली किया था। फिर डिस्प्ले एज आइकन पे क्लिक करेंगे, दोबारा जाएंगे और फाइल को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, थोड़ा टाइम लेगी, फिर उसके बाद ये इंसर्ट हो जाएगी फाइल। ये फाइल हमारी इंसर्ट होगी, देखा आपने। अब इसको मूव करके थोड़ा इधर कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें अभी। अब चौथा आता है जॉइन टू सेल्स और कॉन्कैटिनेट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अब हमें जैसे कॉन्कैटिनेट करना है, तो इसमें दो तरीके हैं। पहला तो आप मैनुअली कर सकते हो इसको, कोई भी फंक्शन करके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने किया, ये मैं ज्वाइन कर रहा हूँ दो सेल्स को, और ये दो सेल ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, पहला नाम है, दूसरा सरनेम है, ए और बी कॉलम में। तो ये डिएगो कोस्टा लिखा हुआ है, डिएगो कोस्टा को ज्वाइन करके दिखाता हूँ मैं आपको। आप इक्वल्स टू प्रेस करोगे सिंपली, पहले सेल को सेलेक्ट करोगे यहाँ पे ए को, फिर एंड का साइन करोगे, फिर सेमी कॉलम लगाओगे, फिर स्पेस दोगे, फिर सेमी कॉलम। ये इसलिए क्योंकि फिर डिएगो कोस्टा में स्पेस नहीं आएगा आप सेलेक्ट करोगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्पेस का भी ऐड किया। फिर एंड पे प्रेस करोगे, फिर आप जाओगे कोस्टा को सेलेक्ट कर लोगे, और ये देखो यहाँ पे ये स्पेस आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ सेमी कॉलम लगा के स्पेस लिया था। और आप चाहते हो कि ये पूरे इस पे रो कॉलम्स पे आ जाए, तो ये कंट्रोल सी करोगे इसको, शिफ्ट दबा के नीचे वाली बटन और एंटर मार दोगे, ये सब पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने दिखा दिया आपको मैनुअली कैसे करते हैं, अब दिखाता हूँ मैं फार्मूले से कैसे करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारा कॉनकाटिनेट का, ये देख रहे हो आप, ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने, कॉनकाटिनेट की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वल्स टू कॉनकाटिनेट, ठीक है। फिर टैब मार दोगे आप, टैब जाग मार के फिर ये डिएगो को सेलेक्ट कर लोगे, पहले ये वाले सेल A3 को सेलेक्ट कर लिया आपने, फिर आप क्या करोगे कॉमा, फिर वही सेमी कॉलम स्पेस, क्योंकि स्पेस नहीं लगाओगे आप फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर ये कॉमा लगा के फिर ये कोस्टा को सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, और ये देखो ये डिएगो कोस्टा आ गया आपका, ठीक है। और ये पूरे में ड्रैग करके शिफ्ट और नीचे वाली बटन दबा के एंटर मारोगे, ये हो जाएगा। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है टेक्स्ट टू कॉलम्स। अब होता क्या है कि जैसे SAP सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ, तो उसमें से अगर मैं कभी फाइनेंशियल मतलब कि बैलेंस शीट या P&L निकालता हूँ, तो जो लाइबिलिटीज वाले नंबर हैं वो ऐसे आ जाते हैं नेगेटिव नेगेटिव, ये माइनस पीछे लगा होता है इसके, ठीक है। तो अब मुझे क्या होता है, या तो एक एक करके मैं सबको सही करूं, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्या होता है, आपको ये सेलेक्ट करना है सिंपली,
इसके बाद डेटा पे जाना है और ये टेक्स्ट कॉलम देख रहे हो आप, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। तो ये देखोगे आप, ये सारे नंबर्स आ गए यहाँ पे। टेक्स्ट कॉलम कन्वर्ट करने के लिए हमारा शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। तो आपको जो कन्वर्ट करना है उसको पहले सेलेक्ट जरूर करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप जाओगे, प्रेस करोगे ऑल्ट, फिर डी, फिर ई। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है एफ, एफ एफ मतलब फिनिश, तो आप प्रेस कर दो एफ। तो ये देखो ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है।